तो गाइस अगर आप लोग टाइटल और थंबनेल में देख के आए हो कि आपको अनलिमिटेड कस्टम कैसे मिलेगा तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कम से कम 50 से 30 कस्टम कैसे मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, बस आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना होगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना, तभी आप लोगों को पता चलेगा और मिलेगा कस्टम। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप लोगों को कस्टम इतने चाहिए तो उसकी दो कंडीशन है। सबसे पहले तो आपके पास होने चाहिए दो फ़ोन। अगर आपके पास दो फ़ोन नहीं है तो भी आप लोगों को मिल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहना। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लो, मैं आ चुका हूँ नूब आईडी में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास दो फ़ोन है तो आपको दोनों फ़ोन में नूब आईडी लॉगिन कर लेनी है, मतलब दोनों में नूब आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को मतलब ऐसे कि प्लेइंग जाके ये डायरेक्ट ड्रम के पास जाना है और फूट जाना है। आप लोग सोचोगे ऐसे मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। वही तो मेरे साथ सीन हुआ। मैंने क्या किया, अपनी दोनों नूब आईडी ली, मतलब दोनों फ़ोन में लॉगिन किया और साथ में डुओ स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा मेरे को कस्टम मिल जाएगा, पर हुआ कुछ ऐसा कि मेरे को कस्टम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि शायद तक ऐसा है कि मतलब लेवल 5-10 होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो एक और क्लिप में मैंने वापस से वही चीज़ किया। मैंने सोचा इस बार कुछ ग्लिच हुआ होगा, पर वापस से मैंने वही चीज़ ट्राई किया। मैं डुओ में गया, दोनों फ़ोन में लॉगिन किया आईडी, मतलब एक फ़ोन में एक नूब आईडी, एक फ़ोन में एक नूब आईडी, मतलब दोनों फोन, ये दोनों ही आईडी मिली है, मतलब मेरी है। उसके बाद आप लोग वापस से देख सकते हो, मैंने गेम लॉगिन किया, उसके बाद मैंने देखा मेरे को अभी भी नहीं मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेरे को आ गया गुस्सा, मैं बोला ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद मेरे को समझ आया कि ये क्या इसका सीन है। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजा था तब भी स्टार्ट किया, तब भी नहीं हुआ। उसके बाद अब देखो मैंने एक नूब आईडी दूसरी लॉगिन की, उसके अंदर मेरे को मिल गया। तो अब मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे करना है और कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो आपको एक अपनी नूब आईडी लॉगिन करनी है और आपको दूसरे फ़ोन में भी एक नूब आईडी लॉगिन करनी है। अगर आपके पास दो फ़ोन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली स्क्वाड करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है। आप लोग देख सकते हो क्लासिक आपको नहीं करना है, सॉरी मैं बताना भूल गया, आप लोगों को क्लैश कोड करना है। उसके बाद आप लोगों को तुरंत स्टार्ट कर देना है। आप लोग देख सकते हो कोई भी क्लैश कोड लगा सकते हो। अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है तो आप लोगों को उस फ़ोन को भी इसमें ले लेना है, उसके बाद स्टार्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है आप लोग आगे देखो। तो सबसे पहले तो आपको जैसे ही आप गेम में आते हो उसके बाद आपको एलिमिनेट कर लेना है। आप लोग नेट से भी कर सकते हो, जोन से भी कर सकते हो, और आपकी दो आईडी होंगी तो आपको एक साथ दो कस्टम मिलेंगे, और अगर आपकी एक आईडी होगी तो आपको एक ही मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं एलिमिनेट होने लगा हूँ, मतलब हो रहा हूँ, और उसके बाद मैं एलिमिनेट हो गया। और आप लोग देख सकते हो मेरी इस मैच में दो आईडी है, यानी कि एक जिसमें मैं एलिमिनेट हुआ और एक मेरे सेकेंड फोन में जो कि नेक्स्ट वाली नूब आईडी है। दोनों ही नूब आईडी है और दोनों ही मेरी है। तो मेरे को इस गेम बाद दो कस्टम तो ऐसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद ये बंदा मतलब अकेला बचा है जो कि कुछ भी नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। हम दो बंदे मर चुके हैं और दो बंदे बचे हैं, तो वो दो बंदे चार को नहीं मार पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आप लोगों को दूसरे मैच में जैसे ही आओगे वापस से आपको एलिमिनेट करना है। आप लोग देख सकते हो ये दोनों आईडी मेरी है। उसके बाद मैंने वापस से एलिमिनेट कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, आपको हर बार एलिमिनेट ही करना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। बस आपके कम से कम 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आपको दो कस्टम मिल जाएंगे। और अगर आपके पास तीन फोन है तब तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, तब तो आप तीनों आईडी एक ही मैच में डाल दो, उसके बाद तीनों आईडी एलिमिनेट कर दो, फिर तो और जल्दी आपको एक मैच में सिर्फ मतलब एक मैच में आपको तीन कस्टम मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। तो आप लोग ऐसे करके तीन कस्टम भी ले सकते हो, और अगर चार फोन है तो आप चार भी ले सकते हो, ऑब्वियस ही बात है चार नहीं होंगे, पर अगर आपके पास चार फोन है तब तो भाई एकदम ही मजे है, तब तो आपके 3-4 मिनट में आपको चार कस्टम मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वापस से मैं हो गया एलिमिनेट। उसके बाद अब मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ हम लोग जब मरेंगे तो अपने को कैसा मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो अभी हमारी टीम ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने पहले जब क्लासिक खेला तब नहीं मिला, क्योंकि क्लासिक में ऐसा होता है कि आपके टीम मेट्स के साथ खेलना होता है, ऐसा नहीं कि दो ही बंदे होने चाहिए, कम से कम आपके चार बंदे होंगे तभी आपको मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्ले विद फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो प्ले विद फ्रेंड नहीं है, प्ले विद फ्रेंड्स है। तो आप लोग यहाँ पे देखो मेरे को मिल चुका है। सो गाइज आपको ट्रिक कैसी लगी आप लोग कमेंट कर देना, और आज की वीडियो में बस इतना ही था, आप लोगों को यही बताना था। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट कर देना आपको न्यू वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट कर देना आपको कितने कस्टम कार्ड मिले।